स्वागत करता हूं आप सभी का एग्ज़ाम फतेह 2.0 में। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आप सभी लोगों की एसएससी जीडी की फिज़िकल की तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। कई सारे लोग यहां पर बार बार पूछ रहे थे कि एसएससी जीडी का फिज़िकल कब तक हो जाएगा, तो मैं आपको कुछ आंकड़ों के अनुसार बताऊँगा। मैं एसएससी जीडी के 2018 के आंकड़े लाया हूं। जो 2018 वाली भर्ती थी ना, उसके आंकड़े मैं लाया हूं कि उसका रिजल्ट कब आया था, उसके कितने दिन बाद फिज़िकल शुरू हुए थे और कब से कब तक फिज़िकल चले थे। तो अगर ये जो 2021 वाली भर्ती है, अगर उसके अकॉर्डिंग ही ये चले तो कब तक आपका देखिए फिज़िकल हो जाएगा, इसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो पूरी वीडियो को आप सभी लोग एंड तक देखिएगा। सबसे पहले देखिए मैं आपको बता दूँ, और वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक और एक बार शेयर ज़रूर आप सभी लोग करेंगे अपने एसएससी जीडी वाले दोस्तों के साथ, ठीक है। चलिए तो देखिए रिजल्ट तिथि की बात करें, जो 2018 वाली भर्ती थी एसएससी जीडी की, उसको रिजल्ट कब आया था, 20 जून 2019 को रिजल्ट आया था, पहली बात। अब हम लोग बात कर लेते हैं 20 जून 2019 में, जब 54 दिन आगे बढ़ा देते हैं, लगभग 54 से 55 दिन बाद आपका क्या हुआ था, फिजिकल शुरू हो चुका था, ठीक है। 54 दिन बाद फिजिकल शुरू हो चुका था, ठीक है। इसकी सूचना कब आ गई थी, लगभग 35 दिन के बाद इसकी सूचना आ गई थी रिजल्ट के, यानी कि 20 दिन के 35 दिन के बाद इसकी सूचना आ गई थी कि आपका अब जो है वो फिजिकल होने वाला है, और फाइनली 20 जून के 54 दिन बाद आपका फिजिकल आरंभ हो चुका था, ठीक है। कब हुआ था आपका फिजिकल आरंभ, तो 13 अगस्त को आपका फिजिकल आरंभ हो गया था, यानी कि 13 अगस्त से 25 सितंबर तक 2019 तक आपका फिजिकल शुरू रहा था, यानी कि चला था, ठीक है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करें 2018 वाली जीडी के अनुसार, तो आपका फिजिकल कब तक हो सकता है। आपको पता है कि जो जीडी 2021 वाली भर्ती थी, इसका रिजल्ट आपका 25 मार्च 2022 को आया था, ठीक है। तो अगर हम लोग मान लीजिए 50 दिन इसमें जोड़ दें, कितने जोड़ दें, 50 दिन इसमें जोड़ दें, मार्च तो मान लीजिए निकल जाएगा, ठीक है, मार्च निकल गया, ठीक है, अप्रैल भी निकल जाएगा, लगभग 10 से 15 मई के आसपास, यहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ 10 से 15 मई के आसपास आपका रिजल्ट जो है, सॉरी रिजल्ट नहीं बल्कि फिजिकल शुरू हो चुका है, हो सकता है। तो 10 से 15 मई, ये आप लोग आंकड़ों के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक अनुमानित है भाई, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, भर्ती बोर्ड का जो टेस्ट है ना कि 50 दिन बाद फिजिकल शुरू करवा लेंगे रिजल्ट के, तो इस तरह से हो सकता हो 2021 वाली भर्ती के साथ भी यही करे, ठीक है। तो रिजल्ट यानी कि 25 मार्च को आपका आया था, तो लगभग कब तक आपका, मई के हम लोग दूसरे सप्ताह में कह सकते हैं, पहले सप्ताह में कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन बात करें 10 से 15 मई के बीच जो है आपका फिजिकल शुरू हो जाना है। अब 2 से 4 दिन आगे भी बढ़ सकता है, ऐसा नहीं कि यहीं पर 10 से 15 मई के बीच हो, ठीक है, 20 से पहले भी हो सकता है, 18 मई भी हो सकता है। तो मैंने आपको एक मोटा मोटी जानकारी दे दी, और इस जानकारी के माध्यम से आप लोग अपनी रनिंग की मेहनत को डबल कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जैसे ही युद्ध की घड़ियां पास आती जाती हैं, तो मेहनत की चाबी को बढ़ाते रहना चाहिए, तभी तो सफलता मिलेगी भाई, ठीक है। तो अगर आपकी रनिंग की तैयारी ठीक तरीके से नहीं चल रही है, तो ठीक तरीके से आप लोग रनिंग की तैयारी कर लीजिए। और सुनने में ऐसा आ रहा है कि आपकी जो ट्रेनिंग है ना, ट्रेनिंग, ठीक है, जैसे बात करें मई में आपकी फिजिकल हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद का प्रोसेस में बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लगेगा, लेकिन बात करें 2022 के वर्ष में ही आपकी ट्रेनिंग आरंभ हो जाएगी, ऐसी सूचना जो है वो मिल रही है मुझे, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है, कई सारे लोग जो बेरोजगार हैं उनको एक अच्छा रोजगार मिल जाएगा, और एक सपनों वाली उनको एक जॉब मिल जाएगी। मेरी भी यही उम्मीद है, आशा है कि आप सभी लोग वर्दी पहनो, आप सभी लोगों को एसएससी जीडी में एक बेहतर पोस्ट मिले, ठीक है। तो हर एक जानकारी में आपको सबसे अच्छी खबर तो यही है, 2022 में ही आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, यानी कि ज्वाइनिंग क्या बोले, सबसे पहले ज्वाइनिंग तो नहीं कह सकते हम लोग इसको सही तरीके से कहें तो 2022 में ही आप ट्रेनिंग पर चले जाओगे, हाँ ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो देखिए एसएससी जीडी की हर एक खबर, हर एक सही और सटीक खबर मैं इस वीडियो पर, इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ, और जो भी सही लगता है, जो भी अनुमान होता है वो भी लगाता हूँ, और जो भी न्यूज़पेपर की कटिंग आती है सरकार के माध्यम से कहा जाता है वो भी इस चैनल में आपको बताता हूँ, और जो भी ऑफिशियल न्यूज़ आती है वो तो मैं इस चैनल पर आपको बताता हूँ। और इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ एसएससी जीडी की ही जानकारी दी जाती है। तो सभी लोग करेंगे क्या, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उसके अलावा बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करेंगे, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी देंगे कि मैं एसएससी जीडी पर ही वीडियो बनाता रहूं, जैसे ही कोई अपडेट हो तुरंत मैं वीडियो बनाऊं। और एक बार आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर देंगे। चलिए तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में, जय हिंद साथियों।